यो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको मेरी गाड़ी का जो एवरेज है वो बताने वाला हूँ। तो अभी देख सकते हो जो मेरी गाड़ी है वो चल रही है अराउंड 66-68, मतलब एवरेज स्पीड आप मान लो कि मैं इसको जो चला रहा हूँ वो अराउंड 80 समथिंग से चला रहा हूँ, 80-85-90। और जो मेरी जो गाड़ी है ये दोस्तों वेरियंट है रेनॉल्ट क्विड RXT 1.0 लीटर इंजन के साथ। और इसका जो आप देख सकते हैं एवरेज आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों अभी 23.8 KMPL का। लेकिन दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हकीकत में जो है ये गाड़ी इतना एवरेज कभी नहीं देती। इनफैक्ट कई बार मुझे यहाँ पे 27-28 भी आ रखा है। तो भूल जाओ भाई, 27-28 का एवरेज ये गाड़ी दे दे कोई चारा ही नहीं है। हाँ, एवरेज अगर ये मैं बात करता हूँ कितना एवरेज मुझे इस गाड़ी से देखने को मिलता है, तो दोस्तों इस गाड़ी से मुझे जो एवरेज है वो देखने को मिल जाता है तकरीबन आप ये अनुमान लगा लीजिए कि 17-18 का एवरेज देखने में मिलता है। और अगर आप थोड़ी सी इसको एक्सेलरेटर ज़्यादा कर दे देते हैं, यानी 120-110 के आसपास चलते हैं, तो आपको जो इसका जो एवरेज आएगा वो आएगा करीबन 14-13। अब आप कह रहे हो कि 13-14 एवरेज, भाई इसकी जो MID है वो 10 तक भी गई हुई है। तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि 10 तक MID गई हुई है, इसका मतलब ये है कि भाई 13 का तो कम से कम दे दिए, और 13 का इनफैक्ट मुझे मिला हुआ है। अभी मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि मैंने इस पे भराया था 500 रुपये का पेट्रोल, ठीक है। अभी गुजरात के अंदर जो रेट चल रही है उसके हिसाब से जो है वो 98 रुपीज़ पर लीटर जो है रेट अपनी जो है गुजरात के अंदर चल रही है पेट्रोल की। तो मैं इसके अंदर 500 का पेट्रोल लगाता हूँ, तो ये गाड़ी मुझे 40 किलोमीटर जाना यानी सिर्फ 80 किलोमीटर ये गाड़ी जो है वो चलती है। और इसको मैं ट्राइड एंड टेस्टेड है, पता नहीं कितनी बार कर चुका हूँ ये चीज़ मैं गाड़ी के साथ। 500 रुपये के पेट्रोल में सिर्फ ये गाड़ी इतना ही जाती है और इतना ही आती है। मैं इसको 80 से चलाता हूँ तो थोड़ी सी ज़्यादा चल लेती है, और अगर 90-100 चलती है तो फिर भूल जाओ भैया, 500 में सिर्फ इतनी ही जाएगी, 80 किलोमीटर चलेगी 500 में आपकी ये जो गाड़ी है वो। क्योंकि गुजरात में इस पेट्रोल का रेट 98 है, इसलिए 5 लीटर्स पेट्रोल आता है। राजस्थान के अंदर 110 के आसपास है, तो 500 में भूल जाओ कि 80 किलोमीटर भी नहीं चलेगी ये। तो इस वक्त अगर आप चाहते हैं कि पेट्रोल गाड़ी लेना, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि पेट्रोल गाड़ी लें या फिर CNG गाड़ी लें, या फिर यानी कहने का मतलब ये कि पेट्रोल गाड़ी लेके उसको CNG में आप कन्वर्ट करवा सकते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। तो देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी मौसम भी बढ़िया, बारिश भी हो रही है, उसी के साथ जो हमारी गाड़ी का जो एवरेज है वो देखो 23.8 है, क्योंकि मैं कंटिन्यू 80-80 चल रहा हूँ। इससे ज़्यादा मैंने अभी तक 90 क्रॉस नहीं किया इस गाड़ी के अंदर हाल फिलहाल के लिए। तो मेरे को ये एवरेज जो दे रही है वो 23.8 का एवरेज अभी इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों बस इस वीडियो के लिए अंदर हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और आपको अगर ऐसे वीडियोस और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और इसके ऊपर मैंने अलग से पूरा वीडियो बना रखा है, तो आपको मुझे उम्मीद है वो वीडियो भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।